नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित यह हमारी क्लास 6 है। इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम एवं खेल अकादमी के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संगठन एवं संस्थाओं के बारे में जाना था, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि मध्य प्रदेश खेल से संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वह MPPSC प्री हो, MPSI हो या अदर PB एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप जो हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश खेल से संबंधित वीडियो सीरीज चल रही है उससे संबंधित सभी वीडियो जरूर देख लें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें मेल्स कर सकते हैं। हमारी मेल ID है topgallant2018@gmail.com। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम एवं खेल अकादमी के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम के बारे में एक एक करके। तो पहला मध्य प्रदेश का स्टेडियम है बाबा अली स्टेडियम। तो बाबा अली स्टेडियम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और यह क्रिकेट के लिए फेमस है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबा अली स्टेडियम कहाँ है, तो आपका आंसर होगा राजधानी भोपाल। और यह किस खेल के लिए फेमस है आपसे पूछा जाएगा, तो आपका आंसर होगा क्रिकेट। अगला है अशोक पटेल स्टेडियम। तो अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर ज़िले में स्थित है और यह हॉकी खेल के लिए फेमस है। तो आपको याद रखना है कि अशोक पटेल स्टेडियम हॉकी के लिए फेमस है और जबलपुर ज़िले में स्थित है। अगला है रानीताल स्टेडियम, यह भी जबलपुर ज़िले में स्थित है और यह क्रिकेट के लिए फेमस है। जहाँ अशोक पटेल स्टेडियम हॉकी के लिए फेमस है, वहीं रानीताल स्टेडियम क्रिकेट के लिए फेमस है, लेकिन दोनों जबलपुर ज़िले में स्थित हैं, इसका आपको याद रखना है। अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, यह जबलपुर में है और जो यह स्टेडियम है वह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर है। मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम है, तो इसका आपको याद रखना है कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर ज़िले में स्थित है। अगला है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा ज़िले में स्थित है, इसका आपको जानकारी होना चाहिए। अगला है तात्या टोपे स्टेडियम, तो यह राजधानी भोपाल में है और यह एकमात्र ऐसा स्टेडियम है मध्य प्रदेश का जो जर्मन ट्रैक सुविधा युक्त है। जर्मन ट्रैक सुविधा जो कार रेसिंग के लिए उपयोगी होती है, तो इसका आपको जानकारी होना चाहिए कि यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जो जर्मन ट्रैक सुविधा युक्त है और यह राजधानी भोपाल में है। इसी स्टेडियम में मध्य प्रदेश खेल संग्रहालय बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश खेल म्यूजियम तात्या टोपे स्टेडियम में बनाया गया है, आपसे पूछ सकते हैं। अगला है एस बाग स्टेडियम। तो एस बाग स्टेडियम भी भोपाल ज़िले में स्थित है और जो यह स्टेडियम है वह कृत्रिम घास सुविधा युक्त है। कृत्रिम घास सुविधा युक्त, जिसको एस्ट्रो टर्फ भी कहते हैं, तो यह एकमात्र ऐसा स्टेडियम है मध्य प्रदेश का जो कृत्रिम घास सुविधा युक्त है और यह राजधानी भोपाल में स्थित है, और इसका आपको नाम पता होना चाहिए एस बाग स्टेडियम। अगला है रूप सिंह स्टेडियम, यह स्टेडियम ग्वालियर ज़िले में है और यह क्रिकेट के लिए फेमस है। यह जो स्टेडियम है वह दूधिया रोशनी सुविधा युक्त है। रूप सिंह जिनके नाम पर यह स्टेडियम है, तो रूप सिंह मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के भाई थे। जो हॉकी के जादूगर नाम से फेमस हैं ध्यानचंद, उनके यह भाई हैं और यह भारत और मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं रूप सिंह, और इन्हीं के नाम पर स्टेडियम है ग्वालियर ज़िले में जो कि क्रिकेट के लिए फेमस है। 2010 में इसी स्टेडियम में हुए भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसी स्टेडियम में, रूप सिंह स्टेडियम में, सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया था 2010 में दक्षिण अफ्रीका टीम के विरुद्ध।
अगला है अभय खेल प्रसाल। तो अभय खेल प्रसाल स्टेडियम मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम है। इसका आपको पता होना चाहिए कि अभय खेल प्रसाल स्टेडियम जो कि इंदौर ज़िले में स्थित है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम है। इंडोर जो कि अंदर खेले जाते हैं जो खेल, आउटडोर और इंडोर दो टाइप के खेल होते हैं, तो यह इंडोर खेल स्टेडियम है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। अगला है नेहरू स्टेडियम। तो नेहरू स्टेडियम यह इंदौर ज़िले में है और क्रिकेट के लिए फेमस है। इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1983 में भारत और वेस्टइंडीज टीम के बीच खेला गया था। मध्य प्रदेश की धरती पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था वह इसी स्टेडियम में हुआ था 1983 में भारत और वेस्टइंडीज टीम के बीच। इसका आपको जानकारी होना चाहिए। अगला है होलकर स्टेडियम। तो होलकर स्टेडियम यह भी इंदौर में है और क्रिकेट के लिए फेमस है। पहले इस स्टेडियम को ऊषा राजे स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। तो ऊषा राजे स्टेडियम अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा इंदौर, यह इंदौर ज़िले में स्थित है। पहले इस नाम को जाना जाता था होलकर स्टेडियम को ऊषा राजे स्टेडियम के नाम से और अब इसको जाना जाता है होलकर स्टेडियम के नाम से। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ऊषा राजे स्टेडियम का नया नाम है होलकर स्टेडियम। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इसी स्टेडियम है। जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है उसका मुख्यालय इसी स्टेडियम में यानी होलकर स्टेडियम में है और इंदौर ज़िले में। तो इसी के साथ हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम हैं वह समाप्त होते हैं। अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल जो अकादमी है उनको एक एक करके जानेंगे। तो उसमें पहला है देश की पहली मलखम अकादमी। तो देश की और मध्य प्रदेश की पहली मलखम अकादमी मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन ज़िले में है। इसका आपको जानकारी होना चाहिए कि देश की पहली मलखम अकादमी उज्जैन में है। अगला है मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी। तो मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2006 में हुई थी, इसकी आपको जानकारी होना चाहिए। अगला है मध्य प्रदेश तैराकी अकादमी। तो मध्य प्रदेश तैराकी अकादमी भोपाल में है। अगला है जिम्नास्टिक अकादमी। तो मध्य प्रदेश जिम्नास्टिक अकादमी उज्जैन में है। अगला है एथलेटिक्स अकादमी, एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में है। ठीक है, आपको इन सभी अकादमी के बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी अकादमी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। अगला है कुश्ती अकादमी। तो मध्य प्रदेश कुश्ती अकादमी उज्जैन में है। अगला है शूटिंग अकादमी। तो मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी भोपाल ज़िले में है। अगला है तीरंदाजी अकादमी। तो मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी जबलपुर ज़िले में है। यह क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है MPPSC में, तो आपको याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी। तो यह भोपाल में है। साइकिलिंग अकादमी, मध्य प्रदेश साइकिलिंग अकादमी यह जबलपुर में है। अगला है मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी। तो मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी यह राजधानी भोपाल में है। और लास्ट अकादमी है जो खेल से संबंधित मध्य प्रदेश में, वह है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग अकादमी, यह जबलपुर ज़िले में स्थित है। इन सभी अकादमी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि यह कहाँ है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के जो खेल स्टेडियम हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जाना मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम एवं अकादमी के बारे में। अब हम इसी वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं यहाँ आपको आंसर नहीं बताऊँगा, आप ही को आंसर कमेंट करके बताना होगा जो आपका आंसर होगा। यह है आपके लिए MPGK से संबंधित एक मॉक टेस्ट टाइप का है। तो आप लोग कृपया सभी जो वीडियो देख रहे हैं भाई अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। पहला क्वेश्चन है बुंदेला की छतरी किस शहर में है। ऑप्शन है ओरछा, शिवपुरी, दतिया या सागर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है चक्रधर फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है। ऑप्शन है साहित्य, संगीत, लोक कला, कविता। कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है धार जिला किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है केन, नर्मदा, सोन, बेतवा।
कमेंट करके जरूर बताएं इसका भी आंसर। अगला है, असरफी महल कहाँ स्थित है? आपको बताना है असरफी महल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है सांची, खजुराहो, मांडू, भीम बैठका। इसका भी आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हमने जाना मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम एवं खेल अकादमी के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश खेल से ही संबंधित, हमारा अगला वीडियो होगा एमपीजी के अंतर्गत, जिसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार के बारे में। जो मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि यह आपको कैसा लगा। इसके अलावा इस वीडियो को उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें अपने, जो मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस वीडियो का, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में मध्य प्रदेश के, जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार। धन्यवाद। जय हिंद।